श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर, जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, आप उससे निवेदन करेंगे प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्या बाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें। अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे, उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ, नौकर करेगा नहीं, वर्कर करेगा नहीं, स्वीपर करेगा नहीं, तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।